या हम कोई एक दिन के लिए मिलने आए हैं। वो बाबा कहते हैं ना कि एक बार संगम में मिले, चाहे किसी भी माध्यम से, फोन के माध्यम से, वहां आए उस माध्यम से, या फिर जूम के माध्यम से, नई नवीनता बाबा ने निकाली है हम सभी बच्चों के लिए। तो किसी भी माध्यम से हम मिले, हम जुड़ गए। अब जुड़ गए तो सत्युग में साथ में ही आना है। तो कितना सुंदर हमारा ये परिवार है ना। तो फीलिंग नहीं आता है कि पहले शुरू में लगता था अच्छा क्लास कराना है, लेकिन अब लगता है अरे अपने भाई बहनों से मिलने जाना है, अपने परिवार वालों से मिलने जाना है। ये अच्छी फीलिंग है, तो थोड़ा चिंता भी कम होती है। आज के सेशन की एक विशेषता रहेगी कि ड्राइविंग सीट पर आज कृति बहन, बाबा कृति बहन के द्वारा नहीं बैठेंगे, आज बाबा आप सबके द्वारा ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे। ओके okay? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो हमने एक स्लाइड बनाया मैंने और कुछ नहीं बनाया, सिर्फ एक स्लाइड के। अब जो हमारे सामने रास्ता है ओके okay? वो उस पर चलना, उसे एक्सप्लोर करना, वो हमारी चॉइस है। अभी तक हमारे सामने बाबा ने जब जितना भी हमें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, अभी तक के एक तरह का रास्ता दिखाया था कि आप इस तरह से सोचो, इस तरह से चलो, राइट, यू थिंक लाइक दैट। बहुत सारी चीजें अभी तक बाबा ने सिखाई थी, और अब एकदम से इन सेशंस के माध्यम से बाबा ने एकदम नया रास्ता खोल दिया। लेकिन कोई भी चीज नई होती है तो उसको अपनाने में, उस पर चलने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़े से विघ्न आते हैं, क्योंकि हमारा पुराना बिलीफ सिस्टम चैलेंज होता है। जिस बिलीफ सिस्टम को लेकर के हमने अपनी पूरा जीवन, मुझे नहीं पता हमारे साथ में कितने उम्र के, इस जन्म के कितने उम्र के भाई बहन जुड़े हैं, लेकिन कुछ बिलीफ सिस्टम जो हम लेके आए हैं, मान लीजिए 63 जन्म, 60 जन्म, 20 जन्म, जितने भी जन्म के लेके आए हैं, वो अपनी जगह पर सेट है। और अब जो बाबा हमें बोल रहे हैं एक नए तरीके से करो, और ब्राह्मण जीवन में भी जो हम बिलीफ सिस्टम लेकर आए थे वो एक जगह पर सेट हो गए। ऐसे मुरली पढ़ना है, ऐसे बाबा को याद करना है, बाबा ऐसा है, बाबा कुक से कंप्लेन करना है, या बाबा के साथ रू रिहान करना, इसको रू रिहान करना कहते हैं, इसको ये कहते हैं, वो सारी डेफिनेशन से एक बुद्धि में हमारे सेट हो गई थी, राइट। अब जब वो सेट हो गई थी और अब बाबा ने एक नया रास्ता खोल दिया, तो वो जो पुराने बिलीव्स हैं वो डेफिनेटली हमारे ऊपर हावी होंगे। इट वोंट बी एन इजी जर्नी, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, क्योंकि ये जो नवीनता का रास्ता हमने अपनाया है, इसमें एक चीज कंफर्म है, नवीनता। और नवीनता हमें खुश रखती है, राइट। नोबडी लाइक्स मुंडेन लाइफ, किसी को भी वही पुराना रट, वही पुरानी सोच पसंद नहीं आती है, लेकिन नवीनता की भी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो आज हम उस कॉस्ट की छोटी सी झलक हमारे इस सेशन के द्वारा देखेंगे। दिस इज इट। आज कृति बहन आपसे हेल्प लेगी कि आप बताएं कि किस तरीके से हम मुरली के माध्यम से शिव बाबा को समझ सकते हैं। जो भी अभी तक हमने इन सेशंस के द्वारा समझा पढ़ा, उनका आधार मुरली था और कुछ नहीं। क्यों मुरली? क्योंकि मुरली ही एक ऐसी चीज है जो भगवानुवाच है, डायरेक्ट शिव बाबा बोल रहे हैं, और उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, किसी और की मत उसमें इंक्लूडेड नहीं, जिसके कारण मुरली प्योर है, मुरली की वाइब्रेशंस प्योर है, मुरली का इंटेंशन प्योर है। लेकिन उस प्योरिटी को हम बहुत हद तक देख नहीं पाते, क्योंकि उसमें अडल्ट्रेशन हमारा हो जाता है, हमारी सोच उसके अंदर मिक्स हो जाती है, जिसको बाबा कहते हैं मन मत को श्री मत में मिक्स कर देते हो, जिसके कारण मुरली क्या है वो हमारे तक, अंदर तक नहीं जा पाती। डेफिनेटली मुरली बहुत सुकून देती है, रिलीफ देती है, आराम देती है, मुरली बहुत कुछ हमें सिखाती है, लेकिन वो जितना सिखा रही है उससे पदम गुना उस मुरली में पोटेंशियल है हमें सिखाने का, ठीक है।
तो आज आपके वहां पर डेट हो रही है 26 मई, राइट? ओके, तो 26 मई की शाम है, तो आई एम अज्यूमिंग हमने 26 मई की मुरली पढ़ ली होगी, पढ़ ली होगी, राइट? तो आज हम उस मुरली को जो भी हमने बात अभी तक सीखी है उसके आधार से दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि एक लाइव एग्जाम्पल ही और लाइव जर्निंग ही हमें जो क्लासेस अभी तक हमने करी है उसकी गहराई में लेके जाएगी। विदाउट प्रैक्टिस हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये सब बातें कहाँ से आ रही है। हमें ऐसा लगेगा कृति बहन बहुत महान है जो ये सब कर पा रही है। नहीं, कौन महान है? शिव बाबा। कौन महान है? बाबा की मुरली जो ये कृति बहन से करवा पा रही है। ओके, तो आज की मुरली को हम लेते हैं और हम ये करेंगे भी बहुत विचित्र तरीके से। ये है हमारी आपकी आज की मूल्य, क्योंकि हमारे यहाँ तो 27 हो गया है, आपके यहाँ पे 26 है। ओके, तो ये मूल्य है हमारी 26 मई 2022 की। अब इस मूल्य को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से समझेंगे, उसके लिए पहले हमारी बुद्धि की जो रोटेशन है, जो हमने देखा था ना सदगति की बात करी थी, क्लॉकवाइज रोटेशन, वो थोड़ा शुरू करना पड़ेगा। बुद्धि का चक्का शुरू करना पड़ेगा। तो चक्का जाम हो जाता है, चक्का जाम हो जाता है, तो उस चक्के को शुरू करने के लिए, उस व्हील को स्पिन करने के लिए हमारे बीच में 128 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो हम 10-10 पार्टिसिपेंट्स का, माना कि 13 ग्रुप्स बनाएंगे, ओके, जिसमें हम आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उस डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास में ये मॉड्यूल है। पहला पॉइंट, पहला स्टेप जो हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू उस सब ग्रुप पे हमें करना होगा, वो ये करना होगा कि आपको उस दिन की मुरली, मतलब आपकी आज की मुरली के जो जो बातें आपको अच्छी लग रही है आफ्टर डिस्कसिंग विद ईच अदर, कि ये पॉइंट बाबा ने अच्छा बोला, ये थोड़ा चर्निंग करके आप उस मुरली में से आप शुरू के दो पैराग्राफ्स ही लें, ज्यादा ना लें। ओके, वी विल बी गिविंग यू 10 मिनट्स, 10 मिनट का टाइम देंगे। शुरू के दो पैराग्राफ को लेकर के आप सभी 10 पीपल मिल करके मुरली में से 5 ऐसे पॉइंट जो आप सबको अच्छे लगे उसको निकाल के लेके आए। तो मैं अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। मुरली कौन सी रहेगी? 26 मई 2022 की। कहाँ तक की रहेगी? फर्स्ट टू पैराग्राफ्स, जैसे कि ये फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, उसके बाद ये सेकेंड पैराग्राफ है, बस यहाँ तक ही। फाउंडेशन है नहीं, इनका भी फाउंडेशन है नहीं। जो स्थापना सॉरी जो स्थापना हो रहा है यहाँ तक का आपका मुरली का पैराग्राफ्स रहेंगे। ओके, तो लेट मी डिस्ट्रीब्यूट यू इनटू ग्रुप्स। इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट रूम्स। अब ब्रेकआउट रूम्स में हम 10 से 11 पार्टिसिपेंट्स को, 9 से 10 पार्टिसिपेंट्स को 13 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सेपरेटिंग, ओके, आप सबके पास में चॉइस आई होगी। आप उन उन रूम्स को एक्सेप्ट करके फटाफट से वो ब्रेकआउट रूम ज्वाइन कर लें। ओके, तो जो लोग यहाँ बच गए हैं, 33 लोग, तो हम यहाँ पर ही थोड़ा ट्राई करते हैं। लेट्स मेक दिस अ ब्रेकआउट रूम। बाकी सब लोग जो गए हैं करेंगे। हमारे पास में यहाँ पर बाबा की मुरली के, आज की मुरली के दो पैराग्राफ्स हैं। आप सभी भी अपने लैपटॉप में या फोन में ये मुरली को खोल सकते हैं और इस मुरली को खोल करके फर्स्ट टू पैराग्राफ्स में से हमें कुछ ऐसी बाबा की बातें निकालनी है, 5 पॉइंट्स जो कि हमें अच्छी लगे, हम यहाँ रह करके ये सेवा कर सकते हैं। लेट अस डू दैट। ओम शांति। क्या हम यहाँ पर ढूंढ पा रहे हैं बाबा के महावाक्य? ओके, 5 महावाक्य। ओके, थैंक यू लता बहन और बाकी लोग।
ओके, हम लोग 2 मिनट बाद ही वापस ब्रेकआउट रूम क्लोज कर देंगे, तो सभी लोग इधर आ जाएंगे। तब तक हम बाबा के महावाक्यों को, जो हमने फर्स्ट आई उसमें चूज किया, उसके अलावा भी अगर हमें कोई बात ऐसी लग रही है जिसको हमने इग्नोर किया, उसको हम दोबारा पढ़ सकते हैं, दोबारा उन पॉइंट्स को ला सकते हैं अपनी दृष्टि के सामने। अगर आप लोग चाहें तो सभी लोग अनम्यूट करके एक दूसरे बात भी कर सकते हैं। आई विल अलाउ इट, ताकि यहाँ पर भी हमारा डिस्कशन हो सके। आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, करना चाहें। ओके इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, आमी बहन, अनीता बहन, लता बहन, कंचन बहन, ओके, आप बोल सकते हैं अपने पॉइंट्स। यस, आप बोलिए लता बहन। विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, बस साथ ले जाएंगे, इस निश्चय में कभी संशय ना आना। ओके ओके ओके, परफेक्ट, थैंक यू। कंचन बहन, आप ऐड करना चाहेंगे? और कोई ऐड करना चाहेगा? पल्लवी बहन, आप ऐड करना चाहेंगे? सुनीता बहन, सविता बहन, सरोज बहन, जैसे कि हमने पहले देखा था, इट इज अ चॉइस, राइट? इस रास्ते पर चलने में बहुत विघ्न आएंगे, लेकिन हमारी चॉइस डिटरमाइन करती है कि हम इस पे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। सो सविता बहन, थैंक यू, बताइए। परमपिता परमात्मा बाप भी है, सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा भी दे रहे हैं और फिर साथ भी ले ओके जाएंगे। इस निश्चय में ही ओके तुम बच्चों की विजयी है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, कंचन बहन, आप बताइए। ओके, और कोई? गोमती बहन, आप बताना चाहेंगे? ओके, जो जो वापस आ रहे हैं, वेलकम आपका। आई होप आपने वहां पे अच्छा डिस्कशन किया होगा। करते हैं। सॉरी, दीदी मैं ग्रुप से बाहर चली गई। हाँ जी, कोई बात नहीं, अभी सभी लोग आ रहे हैं, बस आ ही जाएंगे 0 सेकंड्स में। एवरीवन ओम वेलकम शांति बैक। भाई, ओम मुझे शांति। आंसर मुझे क्वेश्चन नहीं मालूम। मैं अभी जी ज्वाइन हुई हूँ, अभी ज्वाइन अच्छा, हुई। ओके, कोई बात नहीं। क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि हमें बाबा की आज की मूली से सभी लोगों को मिलकर के 5 पॉइंट्स निकालने थे, तो वो हमने सभी ने निकाले हैं अपने अपने, तो वो हम अभी उन पॉइंट्स को डिस्कस ना करके नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे। तो
आई होप आप सभी ने अपने अपने पॉइंट्स निकाले होंगे। अब आप मुझे बताइए, किसी भी इंसान को जानने के लिए, अभी जो हमने लास्ट सेशन में समझा था बाबा के बारे में, कि बाबा में से, गॉड में से, शिव बाबा में से हम गॉड फैक्टर, द ग्लोरिफाइड गॉड फैक्टर को थोड़ा साइड करके हम क्या समझेंगे उनके बारे में, कि वो एक पिता हैं, वो हमारे फ्रेंड हैं, उनका एक पर्पस है, वो अपने बच्चों को कुछ बनाने आए हैं, राइट। तो हमने लास्ट सेशन में उनको थोड़ा, गॉड को हमने थोड़ा ह्यूमन बनाया ना, उनको उनमें से पूरा ग्लैमर हटा करके उन्हें ह्यूमन के फॉर्म में हम देख रहे थे। तो ये जो मुरली है जो हम रोज पढ़ते हैं, ये शिव बाबा जो कि अब हमारी नजर में भगवान नहीं है, एक ह्यूमन है, एक चीज है, ओके। शिव बाबा अपनी सोच हमारे सामने रखते हैं, बच्चों को कुछ बनाने के लिए पढ़ाई हमारे सामने रखते हैं। उसके कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर निकाल के लेके आए, राइट। आप सभी ने कुछ पॉइंट्स बाबा के बारे में निकाले। अब आप बताइए, उस इंसान को जानने के लिए हमारे पास आधार है मुरली, कीपिंग दैट इन माइंड, उस इंसान को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रॉम द मुरली, हम उसके अलावा क्या कर सकते हैं? ये जो हमने प्रोसेस किया आज, हमने पहले ही ये पॉइंट करवा दिया ताकि हमारे दिमाग से ये बात निकल जाए कि हमें मुरली के कुछ पॉइंट्स निकालने हैं। ये तो हम रोज करते हैं, है ना। तो मन की आदत क्या होती है, एक और साइकोलॉजी मन की बताते हैं जो हमने नोटिस करी अपने साथ में, जो उसको पता होता है ना वो उसको रिपीट करता रहता है, रिपीट करता रहता है, रिपीट करता रहता है, जब तक कि उसको लिख करके साइड नहीं कर दिया जाए। ओके, हमने आपकी बात सुन ली कि हमें मुरली के पॉइंट्स निकालने हैं, फाइन, हमने मुरली के पॉइंट्स निकाल दिए। अब आपको क्या लगता है, दैट चैप्टर इज क्लोज्ड, जहां पर हम मुरली के पॉइंट्स रोज निकालते हैं, रोज उन्हें रिवाइज करते हैं, ये हम करते हैं। अब सेकेंड हमारा जो थॉट होगा क्या होगा, कि मुरली के आधार से हम बाबा की मनोस्थिति को, साइकी को कैसे समझ सकते हैं, आपको क्या लगता है? पहला हो गया मुरली के पॉइंट्स निकालना, दूसरा कुछ हो सकता मंथन, है क्या मंथन करना, अनुभव करना, अनुभव करना, मन, ओके, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। आपने कहा मंथन करना, हम उनकी पॉइंट्स की गहराई में जा सकते हैं, फाइन, वो भी हम करते हैं। और बताइए और क्या कर सकते, अगर हम किसी पॉइंट की गहराई में जा रहे हैं तो हम पॉइंट को समझ रहे हैं या शिव बाबा को समझ रहे हैं? बाबा की शूज में अपने आप को डाल के सोचे कि बाबा कैसा फील करता है बच्चों के लिए, खुद वैसा फील करें। ओके ओके, तो अगर हम बाबा की इंटेंशन को फील करते हैं पॉइंट को समझ करके, कि यहाँ पे एक्चुअली वो मुझे क्या कहना चाह रहा है और मुझ में क्या चेंजेस लाना चाह रहा है। ओके ठीक है। जैसे जैसे हम कोई भी स्कूल में पढ़ते हैं, कोई भी आई थिंक कॉलेज के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो जैसे पढ़ के पूरा पूरा निश्चय होता है कि यही सच्चा है, तो जो बाबा कह रहे हैं उसमें भी निश्चय रखना है कि जो कहते हैं वो बिल्कुल 100% फेथ होना चाहिए। okay. Okay. बाबा से दोस्ती करनी है बाबा, हमको कोई शांति शांति एक एक करके बताएंगे। क्वेश्चन हमारे अंदर होता है तो हमको उसमें जवाब मिल जाता है, बाबा के मुरली में हमें पूरा जवाब मिल जाता है। ओके ठीक है, तो दो पहलू हुए, आप सबके जवाबों से मुझे एक बात समझ में आ रही है। हाँ जी, अभी हम लेंगे दो पहलू हुए। देखिए, शिव बाबा मुझे बहुत अच्छे से जानता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, शिव बाबा ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान का सागर होने के कारण वो पूरे सृष्टि चक्र को बहुत अच्छे से जानता है, राइट। उनसे ज्यादा अच्छे से कोई भी सृष्टि चक्र को नहीं जानता है। दूसरा, वो मेरा पिता है, तो मुझे भी शिव बाबा बहुत अच्छे से जानता है, राइट, बहुत गहराई से जानता है। तो मुरली के अंदर वो सृष्टि की भी बातें करता है, मेरी भी बातें करता है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी साइड पे रखें, क्योंकि ना मुझे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सृष्टि राइट नाउ। हमारा यहाँ पर क्या था सीरीज का नाम, डिकोडिंग गॉड साइकी। मैं किसमें इंटरेस्टेड हूँ, बाबा को समझने, ओके, ना ही खुद को समझने में, ना ही ज्ञान को समझने में, क्योंकि वो हम करते हैं, उसके भी तरीके हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है जिसको हम प्रॉब्ली अलग एक नई सीरीज में
उसको समझेंगे। लेकिन अभी जो हमारी सीरीज है इट इज अबाउट डीकोडिंग गॉड साइकी। तो पहली पॉइंट हमने बोली कि हाँ ठीक है बाबा मुरली में ये कहता है और उसको हम अनुभव करते हैं, उसको हम मंथन करते हैं, उसकी गहराई में हम जाते हैं, सृष्टि के राज निकालते हैं, बहुत सारे राज युक्त योग युक्त बाबा बात बोलते हैं, वो हम कहते हैं ओके फाइन। नाउ कीपिंग दैट असाइड आइडिया इज कि बाबा को समझने के लिए मैं मुरली को कैसे यूज कर सकती हूँ। दैट इज अ पॉइंट। पर आप सभी से निवेदन है कि आप चैट में लिख के बताएं, क्योंकि एक साथ सभी बोलेंगे ना तो सबकी आवाज नहीं आएगी। तो आप सभी लोग चैट में लिख के बताइए आपको क्या लगता है कि बाबा को समझने के लिए, ओनली बाबा, मेरा पूरा पूरा ध्यान बाबा पे है, बाबा को समझने के लिए हम मुरली को कैसे यूज कर सकते हैं। कोई भी एक दो पॉइंट अगर बोलेंगे लिखेंगे चैट पे, उसके बाद में हम अगेन ब्रेकआउट रूम्स में जाएंगे। He tells about himself that I am निराकार, you also have to be like that. Okay, वो अपने बारे में निराकार, बट हमें बुद्धि में समझ में नहीं आता ना निराकार का मतलब क्या है। और बताइए अगर हम उनके पॉइंट को अप्लाई कर रहे हैं तो वो हम अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, बाबा को नहीं समझ रहे। ओके बाबा की बताए ओके लिसन टू हिम केयरफुल एंड टर्न ऑन इट। ओके ओके ठीक है ठीक है। चिंतन एंड मनन ओके ठीक है। चिंतन मनन एक डिवाइस है, इट्स लाइक जैसे आप लोग कड़ी बनाते होंगे ना, कड़ी बनाने के लिए बिलोई जो होती है ना या मिक्सी जो होती है वो है मनन चिंतन। अब उसको आप पानी में रख रहे हो, दही में रख रहे हो, दूध में रख रहे हो, वो है आपका टॉपिक। तो मनन चिंतन बुद्धि की एक्सरसाइज है जिसको हम यूज करते हैं, लेकिन यूज किस पर कर रहे हैं वो हमें समझना है। ओके तो इस बात को समझते हैं कि सेकंड चीज टू अंडरस्टैंड। ओके हाँ जी एक बहुत अच्छा पॉइंट आया, एज वी जज ह्यूमन अकॉर्डिंग टू व्हाट दैट पर्सन टॉक्स अबाउट सिमिलरली वी कैन अंडरस्टैंड बाबा थ्रू हिज वर्ड्स। वेरी गुड आंसर। कैसे हम बाबा को समझेंगे, बाबा पहली बात बाबा क्या बोल रहा है और दूसरी बात बाबा कैसे बोल रहा है, उनके कैरेक्टर को, बाबा के कैरेक्टर को हम बाबा की मुरली से समझ सकते हैं। ओके क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, बाप समान बनना है ना। अब समान बनने के लिए हमारी सोच किसकी जैसी होनी चाहिए, बाबा जैसी। सोच कैसी होनी चाहिए वो बाबा हमें बना बनेंगे कैसे वो प्रैक्टिसेस बाबा हमें बताते हैं, लेकिन सोच कैसी होनी चाहिए, बाबा जैसी होनी चाहिए, उसके लिए मुझे बाबा समझ में आना चाहिए कि बाबा कैसे सोचता है। क्या मुरली के द्वारा हम बाबा के कैरेक्टर को समझ सकते हैं, क्या लगता है, मुरली के द्वारा बाबा के कैरेक्टर को समझा जा सकता है। राइट जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो इनपुट ना देंगे, जो हमारे साथ में बाहर से विदेश से जुड़े हैं वो देंगे, क्योंकि हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी आदत लगी हुई है बाबा के कैरेक्टर को समझने की। तो बाकी लोग बताएंगे समझा जा सकता है। तो अभी जो हमने बाबा के महावाक्य चूज किए, जो 5 पॉइंट्स हमने अपने लिए अपनी धारणा करने के लिए यूज किए चूज किए, उन्हीं पॉइंट्स को बुद्धि में रख करके क्या हम बाबा के कैरेक्टर को समझ सकते हैं। सो ट्राई करेंगे न्यू पॉइंट राइट, बाबा के कैरेक्टर को समझना। तो मैं आप लोगों को फिर से ब्रेकआउट रूम में भेजती हूँ और 10 to 15 मिनट्स हम लेंगे। पहले हम साइलेंस में रहेंगे, जो पॉइंट्स हमने चूज किए हैं पहले 5 to 10 मिनट्स ओके हम उन पॉइंट्स को थोड़ा सा घुमाएंगे। व्हाट दिस पॉइंट टेल्स अबाउट बाबा, ये पॉइंट बाबा के बारे में क्या बता रहा है, ये पॉइंट मुझे क्या बता रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि बच्चे आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो, बच्चे आपको ड्रामा के राज को समझना चाहिए। फाइन ये हम समझ रहे हैं कि मेरे लिए क्या डायरेक्शन आ रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन दे रहा है उसके बारे में मुझे क्या पता चल रहा है, वो मुझे उन्ही पॉइंट्स को पढ़ करके समझना है। ऑल गुड
सभी लोग जिनका वीडियो ऑन है, बाकी को तो मैं देख नहीं सकती हूँ. ओके गुड, थैंक यू. तो मैं अब दोबारा आपको ब्रेकआउट रूम में भेजती हूँ. फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स हम चर्न करेंगे कि इससे मुझे बाबा के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चल रहा है, और लास्ट के 5 मिनट्स हम आपस में डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चले औरों की सोच. ओके देन वी विल कम बैक. ओके सो 15 मिनट्स टाइम. आई एम सेंडिंग यू अगेन टू द ब्रेकआउट रूम. और उससे पहले प्लीज बाहर बताइएगा, है ना, पेशेंस से वहां पर इस होमवर्क को करिएगा, तभी इसका फायदा है. ठीक है, ओके. ऑल रूम्स आर ओपन, आप सभी जा सकते हैं. अरे वाह, सबके चेहरे बड़े खिले लग रहे हैं, लग रहा है बाबा को समझ पाए हैं. हाँ, वंडरफुल वंडरफुल. तो कैसा लग रहा है बाबा को जानकर, एक पॉइंट भी अगर लगा हो तो हाउ इज इट फीलिंग? अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि बाबा कौन है? वंडरफुल वंडरफुल. तो एक कॉन्सेप्ट आज हम यहाँ पर समझेंगे. ये मेरे पास में पेन है, बहुत अच्छा है ये पेन, पढ़ाने में बहुत काम आता है. ओके तो इस पेन को यूज करके मैं आपको बताऊंगी कि बाबा के बारे में कुछ बात हम आज समझेंगे. जैसे कि बाबा ने मुरली में कहा, कोई पॉइंट दिया, प्लीज डोंट माइंड माय हैंड राइटिंग, पॉइंट ए दिया. ओके ठीक है. अब गिवन दैट मैंने 63 जन्म 33 births परमात्मा के बारे में मेरे सिर्फ और सिर्फ मिसकंसेप्शंस रहे, ठीक है, दैट इज माय इम्प्रेशन ऑफ शिव बाबा. कहा था ना पिछली बार कि बाबा का बहुत ही बुरा इम्प्रेशन हम पे पड़ा हुआ है ना, ही हैज अ बैड इम्प्रेशन, दैट इज हिज बिगेस्ट चैलेंज. ओके तो बाबा ने मुझे मुरली में एक पॉइंट दिया, उस पॉइंट को मैंने डिकोड किया बेस्ड ऑन जो मेरे अभी तक के 63 बर्ड्स के उनके प्रति मिसकंसेप्शंस बने हुए, ठीक है, और उसके बेसिस में मैंने डिकोड किया उनका इंटेंशन. Of saying that point. Okay? क्या हुआ इसमें? बाबा ने बोला, बच्चे तुमको निरंतर सेवा करनी चाहिए, एक भी पल तुम्हें हड्डी हड्डी यज्ञ में लगाना चाहिए. तो हमने क्या सोचा, भाई आज तो मुझे दिन भर 24 घंटे करना सेवा में लगे रहना है, कपड़े धोना है, बर्तन धोना है, सेंटर की सफाइयां करनी है, जाना है, पर्चे बांटना है, ये करना है, वो करना है, राइट? क्यों? अगर मैं नहीं करूंगी तो मुझे बाबा से डांट पिटेगी, या बाबा सोचेगा, अगर सपोज करो उस दिन मेरी तबीयत खराब होगी, बाय चांस जिस दिन बाबा ने बोला बच्चे हटी हटी सफल करना है उसी दिन मेरी तबीयत खराब होगी. अब हम सोच रहे हैं आज तो मैं नहीं कर पाई, गॉड फियरिंग जो हमारा अंदर का बाबा के प्रति इम्प्रेशन पड़ा हुआ है वो बोलेगा बाबा तो मुझे कभी माफ नहीं करेगा. हम क्या करेंगे, गिल्ट में चले जाएंगे. किस में चले जाएंगे, होता है गिल्ट में जाना बहुत इजीली हो जाता है, बाबा ने ये कहा देखो मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं कैसे करूँ, बाबा कैसे पॉसिबल है कि मैं उनको माफ कर दूँ, बाबा कैसे पॉसिबल है मैं हड्डी हड्डी लगाऊ, मेरे को मेरा गृहस्थ भी देखना है, ये भी देखना है, स्टोरी होता है, एंड आई कीप फाइटिंग विद हिम. उस फाइट का आधार क्या बनता है, माय मिसकंसेप्शंस अबाउट हिम, जिसके बेसिस पे मेरे जो पुराने बिलीव्स हैं, जिसके बेसिस पे मैं इस पॉइंट को डिकोड कर रही हूं. ओके तो अब हम क्या करते हैं, आजीवन बाबा के साथ लड़ाई करते रहते हैं कि नहीं बाबा ऐसे नहीं हो सकता, नहीं बाबा ऐसे कैसे. जो एक्सरसाइज आज हमने करी इट ब्रिंग्स अ न्यू पिक्चर इनटू द प्ले. उसमें क्या होता है, पॉइंट ए तो हमें पता चला बाबा ने मेरे बारे में क्या कहा, मेरा हितेशी है बाबा, बाबा लव्स मी, तो बाबा ने मेरे बारे में ये कहा मेरा भाग्य बनाने के लिए. ओके फाइन, लेकिन उस पॉइंट के थ्रू मेरा अब
उनका मेरे ऊपर उनका एक न्यू इम्प्रेशन पड़ता है बेस्ड ऑन जैसा वो है, जो कि वो बातें अपनी मुरली की पॉइंट के द्वारा समझा रहा है। जैसे कि बाबा अव्यक्त वाणी में बोलते हैं, जैसे बाबा आते हैं, आते ही सबसे पहले बाबा क्या बोलते हैं, आज मैंने वतन से मेरे नूरे रत्न बच्चों को देखा। कहते आज मेरे बच्चे बाप समान बनने की तीव्र इच्छा में बैठे थे, योग लगा रहे थे, अमृत वेला, बाबा के पास में सभी बच्चों की याद पहुंची, दिल की याद दिल तक पहुंची, याद से याद की तार छुड़ गई और बाबा ने बच्चों को बहुत मुबारक दी, राइट। उसके बाद में बाबा बोलते हैं लेकिन बच्चों की याद नंबर वार थी, ओके। उसके बाद में बाबा करेक्शन देते हैं, सबसे पहले बाबा ने क्या किया, बच्चों को बच्चों की वैल्यू बताई, हमने वैल्यू सुनी, हमें समझ में आया बाबा मुझे क्या बना रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन हमें बाबा के बारे में क्या समझ में आया कि बाबा कभी भी पहले डांटते नहीं है, पहले शक्ति भरते हैं, पहले श्रृंगारते हैं, पहले मुझे मेरी राइट प्लेस जो कि उनका दिल तख्त है वो बताते हैं। उसके बाद में शक्ति भरने के बाद वो मेरे अंदर करेक्शन, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसकी कमी देखी नहीं जा सकती, इसलिए बाबा करेक्शन बताते हैं। समझ में आया, ये मुझे कैसे पता चला, जब हमने मुरली समझी, जब हमने ये समझा कि बाबा एक्चुअल में कौन है, बाबा कौन है, बाबा गिल्ट का सागर नहीं है, बाबा क्रोध का सागर नहीं है, बाबा घृणा का सागर नहीं है, वो मुझसे घृणा नहीं करते हैं, बाबा बच्चों को नीचे गिराने का सागर नहीं है, उठाने का सागर, लेकिन हमारी जो उनके प्रति आज तक सोच बनी हुई थी उसने उसके पॉइंट को इस तरह से इंटरप्रेट किया कि हम गिल्ट में चले गए, ओके। लेकिन जब हम इसी मुरली को बाबा की सोच को, बाबा के कैरेक्टर को समझने में लगाते हैं तो हमें एक न्यू इम्प्रेशन बाबा का पड़ता है, जो बाबा एक्चुअल में है, जो बाबा अपने बारे में बताते हैं, ओके। उस इम्प्रेशन के बेसिस पे जब हम बाबा के इंटेंशन को डिकोड करते हैं तो हम कभी भी गिल्ट में नहीं जाते, तो हम कभी भी आत्मविश्वास नहीं खोते। कैसे, जैसे कि अभी हमने समझा कि बाबा मुझे गिराने नहीं आया, मुझे झुटलाने नहीं आया। अब जैसे कि हम नए नए ज्ञान में आए, हमारे अंदर बहुत सारी कमी कमजोरियां हैं और हम सोचते हैं अरे वो तो भगवान है, वो तो इतना ऊंचा है, मैं कैसे उनके पास जाऊं, मैं कैसे इनको बताऊं, मैं कैसे उनको लेटर लिखूं, कैसे वो तो इतना महान है, मैं कैसे अपनी कमी कमजोरी बाबा को बताऊं, राइट। तो क्या होता है, ये कौन सी हमारी सोच है, वो सोच आप सर्वगुण संपन्न मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, कौन सी सोच है, भक्ति मार्ग की सोच कि आप तो बहुत ऊंचे हो और मैं तो एकदम नीच पापी कपटी एकदम गिरा हुआ, अब हमारा मिलन तो हो नहीं सकता क्योंकि आप तो इतने ऊंचे हो, मैं तो इतना नीचे हूं, अभी कैसे मिलन होगा। ये संस्कार हमारा भक्ति मार्ग से डला हुआ है, जिसको हमने कहा ना बाबा को ग्लोरीफाई कर दिया और खुद को विक्टिम बना दिया, खुद को एकदम नीचे गिरा दिया, तो गैप बना दिया, ओके। ये हमारी सोच अब बाबा के पॉइंट्स को उसी रीति से इंटरप्रेट करती है कि बाबा तो यही सिद्ध कर रहा है कि मैं तो किसी काम का नहीं हूं, मैं तो नालायक हूं। जैसे बाबा ने बोला मुरली में बोला बच्चे तुम तो नालायक, जिसको कोई ज्ञान का पॉइंट समझ में नहीं आया वो ठहरा बुद्धू। अब हम क्या बाबा मुझे मेरी ग्लानी कर रहे, क्या बाबा मुझे धुतकार रहे, जाओ जाओ तुमसे नहीं हो पाएगा। जब तक हम बाबा को नहीं समझेंगे, बाबा का जो पॉइंट है उसके पीछे उनका जो इंटेंशन है उसको समझ नहीं पाएंगे। क्या ये बात क्लियर हो रही है, ओके? तो इस मुरली के द्वारा हम पहले बाबा को समझते हैं, हु इज बाबा, फिर जब हम बाबा की पॉइंट के पीछे का इंटेंशन समझते हैं तो हमें एक्यूरेट बाबा की पॉइंट समझ आता है, एक्चुअल में बाबा मुझे बनाने क्या आया है और वो कैसे बना रहा है। जैसे कि
आप जानते हो, आप मुझे जानते हो, आपको पता है कि मैं बहुत रेगुलर स्टूडेंट हूँ, बहुत डिसिप्लिन में हूँ, और कुछ भी हो जाए लेकिन गुस्सा नहीं करती हूँ ऐसे। और अभी आप मेरी लिखी हुई बात को कहीं पढ़ रहे हो और उसमें लिखा है, कृति बहन ने कहा, तुम तो बिल्कुल नालायक हो, तुमसे ये हो नहीं सकता है और तुम चले जाओ यहाँ से। ओके, कृति बहन ने ये, आपने ये पढ़ा। अब नोइंग मी, आप मुझे जानते हो, आपका मेरे प्रति एक इम्प्रेशन है कि कृति बहन गुस्सा नहीं करते हैं या कृति बहन किसी को गिराते नहीं है। अगर आप ये लाइन पढ़ोगे तो आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि कृति बहन गुस्सा क्यों कर रही है, ये मुझे गिराने की बात क्यों कर रही है। आप ये नहीं सोचो, आप ये सोचोगे जरूर कृति बहन चाहती है कि मैं कुछ नया सोचूं, कुछ नया करूं, क्योंकि उनका इंटेंशन कभी भी नहीं होता है कि वो मुझे ग्लानी में लाए, उनका इंटेंशन हमेशा होता है कि मुझे ऊपर उठाए, राइट। तो हैविंग एन इम्प्रेशन इन माइंड, मन में कृति बहन का इम्प्रेशन होने के कारण कृति बहन के द्वारा उच्चारे हुए शब्दों का मीनिंग बदल जाता है, समझ में आ रहा है। वर्सेस बाबा का जो इम्प्रेशन पड़ा हुआ है वो इम्प्रेशन मिसप्लेस होने के कारण बाबा के वाक्यों को हम उल्टा समझ लेते हैं, और इसको बाबा कहते हैं उल्टा ज्ञान, कह देते हैं माया आ गई। ओके, तो मुरली के द्वारा, ऐसे मुरली की कई सारी बातें, लेकिन मुरली के द्वारा मेजर जो काम करते हैं, सबसे पहले मेरे लिए बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया उसको समझने से भी पहले हमें यह समझना होता है कि कौन है जो डायरेक्शन दे रहा है। वो ग्लानी का सागर नहीं है, वो गिल्ट का सागर नहीं है, वो बच्चों को गिराने नहीं आया है, वो तो आया ही गिरी हुई दुनिया में, गिराने आएगा तो और कहां गिराएगा, वो तो आया ही पतित दुनिया में है ना। अगर उसके अंदर परफेक्शन फिट होता कि मेरे बच्चे एकदम परफेक्ट होने चाहिए तो वो यहाँ नहीं आता, तो वो सत्ययुग में आता, तो वो कलयुग में नहीं आता, वो आया ही है गंदी छीछी दुनिया में। इट मींस ही नोज अस, जानता है कि हम गंदे छीछी हुए हुए, वो जान कर ही वो अपने डायरेक्शन प्यार से हमें दे रहा है। अब हमें ये करने की क्यों जरूरत है, आज हमें बाबा की मुरली से बाबा के कैरेक्टर को समझने की क्यों जरूरत है, क्योंकि बाबा साकार में नहीं है। अगर आज हमारे सामने बाप दादा होते, ब्रह्मा बाबा होते और उनके तन में शिव बाबा आ रहे होते तो उनकी चलन को देख करके हम समझ पाते कि नहीं नहीं शिव बाबा ऐसा ही नहीं, शिव बाबा मुझे चाहे कितनी भी गाली दे दे फिर भी बता दिया क्या कहती थी, चाहे तुम रखो चाहे तुम ठुकराओ तेरा दर हम नहीं छोड़ेंगे। किस बेसिस पे कहती थी, क्योंकि उन्होंने बाप दादा के प्यार को अनुभव किया। आज वो स्थूल में साकार में हमारे सामने नहीं है, तो जो हमारे पास में है उसके आधार से हम बाबा को समझते। ये बात क्लियर हुई है, राइट। ऐसे कई सारे राज मुरलियों में, अगर हमारे पास टाइम होता तो हम एक और एक्सरसाइज करते, लेकिन आपके साथ हम करते रहेंगे ताकि मुरली को, बाबा को हम और भी अच्छे तरीके से समझ पाए। एक एक्सरसाइज आप आज होमवर्क के रूप में कर सकते हैं, हम हर बार होमवर्क देते हैं ना, तो आज होमवर्क के रूप में हम एक एक्सरसाइज करेंगे, एक सेकेंड, वो ये करेंगे कि आंख बंद करके मुरली सामने रख करके मुरली के पांच वाक्यों पर उंगली रखेंगे, मार्क करते जाएंगे पेंसिल से, यहाँ मार्क कर दिया, यहाँ मार्क कर दिया, यहाँ मार्क कर दिया। ओके, अब वो पांच वाक्य, पांच बाबा के महावाक्य जिसके पर पेंसिल मार्क हुआ उसको एक जगह पे लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद उन पांच महावाक्यों के बीच में हम रिलेशन बिठाएंगे। बहुत सुंदर गेम होता है ये, अगर टाइम होता तो हम ये गेम खेलते। इसमें क्या होता है, सोचिए जैसे कि मैं आपके सामने कुछ बात बोल रही हूँ, अभी कुछ बोल रही हूँ, थोड़ी देर के बाद में कुछ और बोल रही हूँ, उसके थोड़ी देर के बाद में कुछ और बोल रही हूँ, लेकिन बोलने वाली तो मैं ही हूँ, एक ही इंसान बोल रहा है। इसका मतलब जो भी मैं बोल रही हूँ उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो है ही, क्योंकि बोलने वाला एक ही है, उसकी समझ एक ही है, राइट। उसी हिसाब से मुरली सुनाने वाला एक ही है। अब चाहे वो मुरली के फर्स्ट लाइन में कुछ बोले या मुरली के लास्ट पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन में कुछ बोले, बोलने वाला एक ही है, और एक होने के कारण मुरली की हर लाइन के बीच में कनेक्शन है। जब हम ऐसे पांच महावाक्य, चलो पांच मैंने ज्यादा बोल दिया, तीन ही ले लेंगे, इन तीन महावाक्यों को जो हमने रैंडमली सेलेक्ट किए मिलाने की कोशिश करते हैं, तो भी हमें बाबा के बारे में कई सारी गुह्य बातें पता चल जाती है। ओके, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, आप करके देखिएगा
और बताइएगा क्या आपको ये राज समझ में आया कि कैसे उससे मंथन और गहरा चलेगा कि कैसे ये महावाक्य ये महावाक्य ये महावाक्य आपस में रिलेटेड है. ओके, हाउ डज दैट साउंड? ऐसा लग रहा है, विचित्र लग रहा है ना? लेकिन विचित्र ही हमारा बाबा है, तो विचित्र बाबा को समझने के लिए विचित्र युक्तियां निकालनी पड़ती है. ओके, तो हम ये करके देखेंगे. तो चलिए फिर, हम भारी लग रहे हैं. ओके ठीक है, तो हम अब थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठेंगे. आइए सभी लोग बैठ जाएंगे. आज जो हमने उन महावाक्यों से बाबा के कैरेक्टर को समझा, उसी कैरेक्टर के आधार पर, बेस्ड ऑन दैट कैरेक्टर, बाप दादा को अपने समीप अनुभव करेंगे. वी विल एक्सपीरियंस बाप दादा सिटिंग नेक्स्ट टू अस. उस कैरेक्टर की सूक्ष्म वाइब्रेशन बाबा से निकल रही है. बाप दादा इज रेडिएटिंग सटल वाइब्रेशंस ऑफ दैट कैरेक्टर और है आत्मा उस फीलिंग की गंगा में नहा रही. एंड आई द सोल एम टेकिंग अ डीप बाथ इन दैट वाइब्रेशंस फीलिंग. आज तक मैंने बाबा के बारे में क्या सोचा था और बाबा क्या निकला? So far, I had so many misconceptions about Shiv Baba. They are now starting to get clarified. तो इस क्लैरिटी के आकाश मैं बाप दादा का गहराई से अनुभव करें. So in the skies of clarity, I am deeply experiencing Shiv Baba sitting next to me, जो मेरे साथ बैठे, जो बस उस कैरेक्टर में स्थित है. He's being that character and I'm experiencing it. और मैं उन्हें अनुभव कर रही हूं. साइलेंस में इस सटल ब्लिस का अनुभव करेंगे. इन साइलेंस लेट अस एक्सपीरियंस दिस सटल ब्लिस रेडिएटिंग फ्रॉम शिव बाबा. हमारे दिल के तारों को ये बाबा की फीलिंग्स छू रही. He's touching our hearts with that pure intention, pure feelings. और मैं उनको अलाउ कर रही हूँ. And I'm allowing him to do so. सारे इफ्स एंड बट्स, बाबा ऐसा है बाबा वैसा, सब कुछ साइड करके जो बाबा है उसे अनुभव करें. कीपिंग ऑल ऑब्जेक्शंस असाइड, आई एम एक्सपीरियंसिंग शिव बाबा एज ही इज. As he is, just as he is,
मैं वैसा अनुभव कर रही हूँ। Instead of fighting him, I'm allowing him. से लड़ने के बजाय मैं उन्हें अलाउ कर रही हूँ। I'm letting him do his magic on me. मैं उन्हें अपना जादू स्वयं पर करने दे रही हूँ। Allowing him to take care of me. मैं अलाउ कर रही हूँ कि वो मेरा ध्यान रख सके। I'm allowing him to take control. मैं अलाउ कर रही हूँ कि वो मेरे जीवन का कंट्रोल ले सके। Because I trust him. क्योंकि मेरा उन पर निश्चय है। ओम शांति। जब हम बाबा को जानते हैं तो स्वयं को उनके ऊपर छोड़ना आसान होता है कि वो कौन है। दिलाराम। वो दिल को तोड़ने वाला नहीं है, टूटे हुए दिल को जोड़ने वाला है। जब हम ये जानते हैं तो हम अपने टूटे हुए हजारों सैकड़ों टुकड़े शिव बाबा के हाथ में देते हैं। अच्छा ठीक है, अब आप ध्यान रखो। राइट, तो उनको जानना बहुत जरूरी। ओके, सभी को ओम शांति। बहुत अच्छे हमारे 4 सेशंस रहे एंड आगे भी हम मिलते रहेंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे आई होप।